Good morning, students. Good morning, everybody. Good morning. Good morning, ma'am. So there are some new, some old students. Okay. हाँ बस हम बेटा कुछ बच्चे request कर रहे हैं start करें lecture बिल्कुल बेटा पहले तो एक चीज सबसे important announcement I will do in the last also कि today you will have your physics class also at 4:30. मैंने आपको कहा था कि कल से हम मतलब yesterday I had told you to start physics class today only, so it will be at 4:30. So everybody with pencil, with pen and with copy at 4:30 again. ठीक है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपना डाटा जो है वो बचा कर रखें. एक मिनट ठीक है बेटा. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए क्या है कि हमने जो है एक मिनट बेटा ये जरा हम सेट कर लें थोड़ा सा मैं. हाउ लॉन्ग विल कुछ बच्चों ने पूछा हाउ लॉन्ग विल फिजिक्स क्लास गो. बेटा 1 आवर 1 आवर 15 मिनट्स मैक्सिमम है ना जितना हम कर सकते हैं. बट बहुत इम्पोर्टेंट है अपना डाटा जो है वो अपना संभाल ठीक है. अपना माइक ऑन करके रखे ऑफ करके रखे बेटा ताकि लोगों को जो है दूसरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो ठीक है. देर आर मेनी न्यू स्टूडेंट्स ऑल्सो टूडे तो उनको सबको मैंने ग्रुप्स अलग अलग बना दिए बेटा. तो अपना जो है उन ग्रुप्स पे चेक करते रहो. आई विल पोस्ट द प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो ठीक है. हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि हर एक के लिए अलग क्लास लेना या कुछ ला रिवाइज करवाना. वी विल डू समडे बट वो पुराने लेक्चर्स विजिट करो उनको अटेंड करो और वो आपको समझ आ जाएंगे. जो प्रॉब्लम होगी वो आप मेरे से आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं. उसके बाद वी विल हैव अ स्पेशल क्लास फॉर द प्रॉब्लम्स फॉर योर डाउट ठीक है. आई होप देयर विल बी नो प्रॉब्लम ठीक है जी बेटा. चलिए तो अब हम जो है yesterday हम we are doing what is sporopollenin what is sporopollenin क्या है बेटा. sporopollenin is a chemical, it is a you know fatty substance, it is a lipid which surrounds the which forms the outer membrane outer layer of the pollen grain outer wall of the pollen grain that is sporopollenin. It is a lipid okay. ठीक है बेटा. एनीबडी एल्स थैंक यू मैम. ओके ठीक है बेटा. ओके बस सिर्फ ये बच्चों ने ध्यान रखना है कि अपना अपना माइक जो है वो ऑफ करके रखें ठीक है. जैसे ही क्वेश्चन पूछे उसके बाद ऑफ करके ताकि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो. चलिए जी तो टुडे सैटरडे वी आर अगेन हियर फॉर योर बायो क्लास. तो बेटा आजकल अगेन थोड़ा सा जो हम शुरू में करते हैं कि अगेन देयर इज यू नो कोरोना इफेक्ट अभी इंडिया में बट आई थिंक कि इंडिया में स्टेबलाइज या बहुत ज्यादा नहीं है ठीक है. ऑल्दो जिसके भी घर से किसी की डेथ होती है उसके लिए तो सारी दुनिया प्रॉब्लम है उसके लिए तो सारी दुनिया खत्म है. बट ओवरऑल अगर हम देखें तो डेथ रेट इज लो इन इंडिया एंड वी वॉन्ट कि ये डेथ रेट खत्म हो ड्यू टू कोरोना इफेक्ट ठीक है जी. सो वी वांट दिस दैट दिस कंडीशन शुड बी ओवरकम एज क्विकली एज पॉसिबल. सो बेटा कोरोना वायरस ये जो म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ कोरोना यू नो कोरोना इज ए कैटेगरी ऑफ वायरसेस इट इज ए क्लास ऑफ वायरसेस. बेटा जरूरी है पीएमटी में क्वेश्चन आ सकता है प्लस टू में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इतना कोरोना हो चुका है. तो मैं क्या बता रही हूँ कि दिस कोरोना इट इज नॉट ए सिंगल वायरस बेटा इट इज ए क्लास ऑफ वायरस. इन्फ्लुएंजा वायरस जितने भी कॉमन कोल्ड वायरस है वो सब कोरोना वायरस के कारण है या वो सब कोरोना वायरस में आते हैं. एंड इसका अब जो है कोरोना वायरस का बेटा पूरा
जीनोम स्टडी कर लिया गया है. यू नो वायरसेस हैव, वायरसेस आपने प्लस वन में पढ़ा है, वायरसेस हैव न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय द प्रोटीनेशियस कोट. तो जो ये कौन सा वायरस है, कोरोना वायरस, सबको आजकल पता है, इट इज एन आरएनए वायरस. जल्दी से मुझे ये बताओ बेटा कि जो आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है कि डबल स्ट्रैंडेड होता है. वन स्टूडेंट कौन बता रहा है बेटा, सुखमन. हाँ जी सुखमन, टेल मी, इज इट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड की डबल स्ट्रैंडेड? जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड. इट इज डबल स्ट्रैंडेड. ठीक है, तो जो है वैसे वायरसेस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, बट कोरोना वायरसेस आर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस. सिंगल स्ट्रैंडेड है, कोई पेयरिंग नहीं है, तो इस कारण इसमें म्यूटेशन जो है वो बहुत जल्दी होती है. ठीक है, दैट्स व्हाई सिंगल द आरएनए इज इजी टू बी म्यूटेटेड. म्यूटेशन क्या है बेटा, इनके जो न्यूक्लियोटाइड्स है आरएनए में वो चेंज हो जाते हैं. ठीक है, तो जो कोरोना वायरसेस या आरएनए इज इजी टू बी म्यूटेटेड. तो ये जो अब आया कोविड 19 वायरस जो है, इट इज म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस. पहले इन्फ्लुएंजा वायरस था, उसके बाद सार्स वायरस आया, सार्स की म्यूटेशन में जो है उसके बाद ये वाला कोविड 19 जिसको हमने नाम दिया है ये वायरस आ गया. ठीक है जी, तो दीज वायरसेस आर आरएनए वायरस और इसका जीनोम स्टडी किया गया है. इट्स आरएनए हैज, ये लिख लो बच्चों, इट्स आरएनए हैज 30,000 न्यूक्लियोटाइड्स. राइट डाउन कि कोरोना वायरस इज आरएनए वायरस, इट हैज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इट हैज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विच कंसिस्ट्स ऑफ, which consists of 30,000 nucleotides and it is surrounded by a lipoproteinaceous wall, जो उसका coat है. it is surrounded by simple lipids नहीं है या simple proteins नहीं है बट लिपोप्रोटीनेशियस कोट. इट इज सराउंडेड बाय लिपोप्रोटीनेशियस कोट. ठीक है, और जो बेटा इसके स्पोक्स नजर आ रहे हैं जिसके लिपोप्रोटीनेशियस, लिपोप्रोटीनेशियस कोट, COAT कोट. एंड ये देखो, अगर आपको थोड़ा सा दिखेगा यहाँ पे, अपना अभी हम जब आगे आप पढ़ोगे इम्यून सिस्टम HIV के बारे में पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा जो इसका स्ट्रक्चर है वो HIV से भी मिलता है, नॉट एग्जैक्टली पर थोड़ा थोड़ा. दिस इज आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड इट हैज, इसको बोलते हैं स्पोक्स. बस अपना माइक ऑफ करके रखो सो दैट अदर स्टूडेंट्स डू नॉट गेट डिस्टर्ब. इस तरह ये सारे सरफेस पे है. दीज आर कॉल्ड एज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. ये जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और ये जो है दिस इज लिपो प्रोटीनेशियस कोट, लिपो प्रोटीनेशियस कोट. दिस इज कोरोना और इसको कोरोना, कोरोना का मतलब क्या है, CORONA. एक आपने इंग्लिश में टर्म सुनी होगी कोरोनेशन. कोरोनेशन होती किसी की ताजपोशी की जाए, इसको अब राजा बना दिया गया है.
तो उससे करोना, करोना का मतलब उसका मुकुट है, ठीक है, तो उससे टर्म आ गई ये, क्योंकि दीज स्पोक्स दीज अपीयर लाइक यू नो क्राउन ऑफ द किंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज करोना वायरस, ठीक है जी। और आपको पता ही है रेस्पिरेटरी ट्रैक्स की प्रॉब्लम करता है ये, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, थिक म्यूकस विच गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द वॉल ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, थिक म्यूकस है, जम जाता है हमारी ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकाई में, लंग्स में आगे जाके ये जम जाता है एल्वियोलाई के, जिससे सरफेस एरिया कम हो जाता है और ये इतना हार्ड हो जाता है, ठीक है, ये हमारी मतलब ब्रोंकाई और एल्वियोलाई की वॉल से मिलकर इतना हार्ड हो जाता है कि इसको निकालना, इसको खत्म करना मुश्किल हो जाता है, ड्यू टू विच देयर अकर्स ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एयर अंदर नहीं जाती, एंड ड्यू टू एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया मतलब दम घुट जाता है, द पर्सन डाइज, ठीक है, ये है। बट इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ाएं, है ना, हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं कि ये हमें इफेक्ट ही ना कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोरोना हमारे अंदर चला गया और हमारी इम्यूनिटी क्या करेगी, नहीं बेटा, सबसे पहले इम्यून सिस्टम उस पर काम करता है हमारा, ठीक है, जब बेचारा इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो कोरोना हैवी हो जाएगा, ठीक है, वो भारी पड़ेगा, और जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो इम्यून सिस्टम उस पर हैवी पड़ेगा, ठीक है, तो हमने ब्रीदिंग करते रहनी है, हमने कपाल भाती, हमने अनुलोम विलोम, ये करना है 15-15 मिनट, ठीक है जी, सो दिस इज माई सजेशन, रेस्ट इज अप टू यू, ठीक है, तो ये थोड़ा समझे कोरोना के बारे में आपको बताना था। अब हम आ जाते हैं बेटा, कल हमने थोड़ा सा पॉलिनेशन पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की, तो व्हाट इज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, कौन मुझे बता रहा है कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है, हाँ जी कौन बता रहा है, बहुत सारे बच्चों के ना बेटा प्रॉब्लम मुझे आ रही है कि बहुत सारे बच्चों के नाम नहीं आते हैं, वही आईफोन और ये सब आता है, ठीक है, आई थिंक अपना जो है वीवो आईफोन इनकी जगह अपना नाम भरो ताकि मुझे पता चले, चलिए नो प्रॉब्लम, जसप्रीत, जसप्रीत शर्मा इज देयर, कैन यू टेल मी, हैव यू अटेंडेड द क्लास जसप्रीत, हाँ जी जसप्रीत हैज रेज्ड हर हैंड, बेटा आप बोलो कोई बात नहीं, आप यू कैन कम्युनिकेट विद मी, ठीक है, हेलो, हाँ जी जसप्रीत बोलो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग बेटा, बेटा आपने क्लास अटेंड की है पिछली, नो मैम टुडे इज माय फर्स्ट डे, फर्स्ट क्लास, ठीक है, आप कौन से दूरी वाले स्कूल में से हो, यस मैम जीटीबी, ओके दूरी स्कूल से, ओके नो प्रॉब्लम बेटा, चलो आपने पुराने लेक्चर सर ने जो है आपके व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दिए, आप वो देखना बैठ के, ठीक है, तो यू विल गेट थ्रू, ठीक है जी, सो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इट इज द, इट इंक्लूड्स वेरियस इवेंट्स फ्रॉम लैंडिंग ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा to reaching of pollen tube in the ovule, ovary के अंदर ovule है, थोड़ा सा टेंथ का याद करो, इतना सबने पढ़ा हुआ है तो जो आज पहली क्लास में भी आया उन्हें पता चल जाएगा, pollen pistil interaction is landing of pollen on the stigma of the female sex organ up to the reaching of pollen tube in the ovule, this is called as, you know, pollen pistil interaction, okay, and pollen tubes are male gametes in angiosperms, hum baat kar rahe hain flowering plants ki, male gametes in flowering plants are non-motile, therefore they are carried by pollen tube. And this process is called as siphonogamy. So what is siphonogamy? So that is fertilization with the help of pollen tube. Yeah, transport of male gametes
with the help of pollen tube. That is called as siphonogamy. Transport of male gametes up to the female gamete, is called as transport of male gamete up to the female gamete with the help of pollen tube. Is called as siphonogamy. Why siphonogamy occurs? Sabhi mein to please repeat. Transport of male gametes up to female gamete with the help of pollen tube is called as siphonogamy. It occurs in siphonogamy jo hai, it occurs in gymnosperms and angiosperms. Why pollen tube? इसका मतलब है bryophytes, pteridophytes में pollen tube नहीं होती है. तो इनमें क्यों है? Because reason assertion के questions आ जाते हैं इसमें. Because they produce non-motile male gametes. कैसे पता चला मोटिलिटी किस कैसे है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला या सीलिया होती है ठीक है तो मेल गैमेट्स इन जिम्नो एंड एंजियो आर नॉन फ्लैजिलेटेड एक्सेप्ट few gymnosperms. कुछ gymnosperms में है male gamete such as अगर आपको थोड़ा सा plus one का याद हो such as cycas which produces मल्टीसिलिएटेड बहुत सारे फ्लैजेला है तो उनको हम सीलिया बोल देते हैं विच प्रोड्यूसेस मल्टीसिलिएटेड टॉप शेप्ड टॉप का क्या मतलब होता है बेटा आपने कभी बचपन में खेली होगी आप टेबल पे फिरकड़ी सी घुमाते थे उसको हम क्या देते हैं टॉप उस खिलौने को हम क्या देते थे टॉप तो उसकी तरह से टॉप शेप मेल गैमेट ठीक है जी तो साइफोनोगैमी इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स बिकॉज इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर नॉन मोटाइल या नॉन फ्लैजिलेटेड देयरफॉर दे आर कैरिड बाय पोलन ट्यूब ठीक है कर लिया रब कर दें बेटा मैम जिस प्लांट्स में मेल गैमेट मोटाइल है उसमें भी पोलन ट्यूब होगी बेटा अभी ना ये अपना देखना जिम्नोस्पर्म्स का चैप्टर निकालना प्रभजोत आई थिंक प्रभजोत इज देयर ठीक है जिम्नोस्पर्म्स वाला निकालना अभी मैं ना यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती उसमें आपने लिखा हुआ है ठीक है नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा हमने कहा है डिफरेंस बिटवीन साइफोनोगैमी एंड जोइड एंड एक ठीक करो ओरोगैमी नहीं जोइडोगैमी करो आई सॉरी डिफरेंस बिटवीन साइफोनोगैमी एंड जोइडोगैमी तो पहले आप जोइडोगैमी व्हाट इज जोइडोगैमी दैट इज व्हेन मेल गैमेट are
motile and हम transported तो नहीं हम कह सकते and swim in water. To reach up to female gamete, it is called as zygogamy. ठीक है तो for example, characteristic feature of algae, bryophytes, and pteridophytes. Algae, bryophytes and pteridophytes, इनमें zoidogamy है, ठीक है? Low pollen tube formation. No pollen tube formation. ठीक है जी तो इनमें पोलन ट्यूब नहीं बनती तो नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन साइफोनोगैमी एंड ज़ोइडोगैमी और यहाँ पे जिसने पीएमटी देना है वो यहाँ पे बॉक्स बनाओ और फिर लिख लो मैं दोनों चीजें क्योंकि साथ साथ थोड़ी थोड़ी चीजें बताते जाए तो याद भी रहता है कि साइकस बॉक्स में लिखना साइकस एक तो लिविंग फॉसिल है जिम्नोस्पर्म तो है बट एक लिविंग फॉसिल है लिविंग फॉसिल का मतलब है इट रिटेन्स प्रिमिटिव करैक्टर्स ठीक है इट हैज स्टिल प्रिमिटिव करैक्टर्स दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल एक दूसरी चीज इट प्रोड्यूस मोटाइल मेल गैमेट्स एंड ऑल्सो फॉर्म पोलन ट्यूब देयरफॉर मैम साइकस इज एग्जांपल ऑफ ज़ोइडोगैमी बेटा साइकस इज जिम्नोस्पर्म व्हिच शोस बोथ ज़ोइडोगैमी एज वेल एज साइफोनोगैमी है ना नहीं तो मैंने क्या बताया कि जिम्नोस्पर्म्स में साइफोनोगैमी होती है ठीक है बट साइकस ऐसा प्लांट है जिसमें पोलन ट्यूब भी बन रही है और मेल गैमेट्स मोटाइल एक्सेप्शंस है बेटा ठीक है देयरफॉर बोथ जो ज़ोइडोगैमी की एग्जांपल है वो है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स क्यूनेरिया हो गया सल्विनिया हो गया ड्रायोपटेरिस हो गया वो फॉर्म पोलन ट्यूब देयरफॉर बोथ साइफोनोगैमी एंड ज़ोइडोगैमी ठीक है और एक और पॉइंट कि पोलन ट्यूब इज ये चलो ये पॉइंट छोड़ दो बस इतना की याद रखो रहने ये नहीं आएगा ये पॉइंट लिख लो आई थिंक प्रज्योत का ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा ठीक है जी अब हम बात कर रहे हैं बेटा एक टर्म आ जाती है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज ए डायनेमिक प्रोसेस डायनेमिक एक होता है स्टैटिक स्टैटिक मतलब रुका हुआ डायनेमिक मींस कुछ ना कुछ हुए जा रहा है डायनेमिक बंदा है कुछ ना कुछ करता जा रहा है ये ठुस्सा बंदा है कुछ नहीं करता तो उसको मैं स्टैटिक सा इंसान है कुछ नहीं करता बैठे ही रहता है ठीक है तो आजकल बहुत सारे लोग स्टैटिक हुए हैं क्या करें क्या नहीं करें बट यू शुड बी डायनेमिक ठीक है
हमने सारा दिन कुछ ना कुछ करना है, हमने पढ़ाई भी करनी है, हमने आगे जो है घर की थोड़ी सफाई कर लो, बैठ मत जाओ, ठीक है, एक जगह जुड़ के बैठो मत, घर में भी काम करते रहो इधर उधर करके। सो लाइक वाइज पोलन पिस्टन इंटरेक्शन इज ए डायनेमिक प्रोसेस, ठीक है, इट इज नॉट स्टैटिक। तो क्यों ये डायनेमिक है? तो पोलन में हमने क्या कहा है कि पोलन पिस्टन इंटरेक्शन में क्या होता है, पहले पोलन और स्टिग्मा के प्रोटीन्स में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है कि तू मेरा पोलन है कि नहीं है। सो देयर इज अ डायलॉग, केमिकल डायलॉग, सो इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्निशन टेस्ट कि अपना पोलन है कि नहीं, किसी और का, मैंगो पे गुआवा का या लीची का पोलन तो नहीं आ गया है, तो वो एक कम्युनिकेशन है दोनों में ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन्स ऑफ पोलन एंड स्टिग्मा, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, डायनेमिक प्रोसेस है। उसके बाद पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये स्टिग्मा है, यहाँ पे पोलन में कम्युनिकेशन हुई, इसने इसको पहचाना कि ये अपना ही पोलन है, देन पोलन जर्मिनेट्स एंड द पोलन ट्यूब ग्रोज टूवर्ड्स ओवरी, ये इधर को यहाँ को नहीं जाती है, हमेशा ये ओवरी की तरफ ही ग्रो कर रही है, दीज आर ओव्यूल्स। तो ये ओवरी की तरफ क्यों ग्रो कर रही है बेटा, क्योंकि यहाँ पे इधर ओवरी में हैज लो कैल्शियम बोरोन आइनोसिटोल कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है एक केमिकल का, तो लो कंसंट्रेशन ऑफ, आप थोड़ा सा और कर सकते हो, हैज लो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम बोरोन आइनोसिटोल कॉम्प्लेक्स, वेयर एज मैम, हाँ जी बेटा मैम प्लीज रिपीट दिस रीजन अगेन, मैं बताती हूँ ये जो है पोलन स्टिग्मा से इंटरेक्ट किया, स्टिग्मा ने इसको अलाउ किया कि ये अपना ही पोलन है, नाउ यू कैन जर्मिनेट, पोलन ग्रेन स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग एंड फॉर्म्स द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब ग्रोज टुवर्ड्स ओवरी, ठीक है, इट डज नॉट ग्रो अपवर्ड्स, इट डज नॉट ग्रो ऑन डाउनवर्ड्स, बट इट ग्रोज ओनली टुवर्ड्स ओवरी। व्हाई इट ग्रोज टुवर्ड्स ओवरी? बिकॉज ओवरी में लो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम बोरोन आइनोसिटोल कॉम्प्लेक्स है, जबकि पोलन ट्यूब में है हाई कंसंट्रेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो पोलन ट्यूब, एक तो ये केमिकल्स या ओवरी कुछ केमिकल सिक्रीट करती है जो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करती है, और दूसरा पोलन ट्यूब इट मूव्स अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ कैल्शियम बोरोन आइनोसिटोल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यहां पे लिखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, पोलन ट्यूब ग्रोथ, हम थोड़ा सा यहाँ पे कहें, इज कीमोट्रॉपिक, पोलन ट्यूब ग्रोथ इज कीमोट्रॉपिक एज ओवरी अट्रैक्ट्स पोलन ट्यूब, कुछ केमिकल सिक्रीट करती है ड्यू टू विच ओवरी अट्रैक्ट्स पोलन ट्यूब, फर्दर पोलन ट्यूब ग्रोज अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ कैल्शियम बोरोन आइनोसिटोल शुगर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये लिख लो, याद करने वाला है, बहुत ज्यादा नहीं कि भी क्या है क्या नहीं, तो ये लिखो कि भी ऊपर जो है स्टाइल में यहाँ पे हाई कॉम्प्लेक्स, हाई कंसंट्रेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स है, ओवरी में लो कंसंट्रेशन है इस कॉम्प्लेक्स की, देयरफॉर इट इज ग्रोइंग टुवर्ड्स ओवरी। तो आइनोसिटोल क्या है? आइनोसिटोल एक शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, आइनोसिटोल शुगर,
So calcium, boron, inositol, sugar complex. ठीक है जी. Everybody noted down कि pollen distal interaction dynamic क्यों है. मैंने आपको दो reasons बता दिए. ठीक है. और एक point और लिखो जरा जल्दी से. ये हमने किया भी हुआ है कि जो स्टाइल है इट कैन बी होलो स्टाइल. Or it can be solid style. I'll repeat. The style, ये हमने पहले भी किया है. The style can be hollow style or it can be solid style. होलो में तो पोलन ट्यूब नॉर्मली ग्रो कर जाएगी. राइट डाउन इन सॉलिड स्टाइल. इन सॉलिड स्टाइल द पोलन ट्यूब सिक्रीट पेक्टिनेसेस एंड सेल्युलेसेस. Actinases and cellulases to dissolve the cells of the style forming conducting tissue या ट्रांसमिटिंग टिश्यू. ये सब सॉलिड है. ऐसे ऐसे कंडक्टिंग टिश्यू ये बना रही है. कंडक्टिंग टिश्यू और ट्रांसमिटिंग टिश्यू बीच में जो है ये क्या बना है. इसमें कंडक्टिंग और पूरा लिख लेना ट्रांसमिटिंग टिश्यू. ठीक है जी. ये बना लिया आपने. नेक्स्ट हम पॉइंट आ जाते हैं बेटा. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम बाद में करते हैं बट उससे पहले हम यही बात कर लेते हैं. नेक्स्ट इज मोड ऑफ एंट्री. नेक्स्ट हम आ जाते हैं. मैम ये डायग्राम नहीं बनाने. आपने बनाए नहीं थे. नो मैम. बना लो ज्यादा तो है ही नहीं. ये होलो स्टाइल है. यहाँ पे सेल्स बना लेंगे. दिस इज सॉलिड स्टाइल. इसके बाद हीट कर लेना. ये होलो स्टाइल है. बना लो.
नेक्स्ट टाइम आ जाते हैं बेटा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल. Entry of pollen tube in ovule. ठीक है, अब पहले देखना है. ये ओवरी है, हम इसमें एक ही ओव्यूल दिखाते हैं लेटर से. दीज आर द इंटेग्यूमेंट्स ऑफ द ओव्यूल. यहां से पोलन ट्यूब आई और उसमें ये चिलाजा एंड है, ये आपको पता है ओव्यूल में. इस एंड को कहते हैं माइक्रोफाइल, ये है इंटेग्यूमेंट्स मतलब वॉल लेयर, और ये माइक्रोफाइल के ऑपोजिट वाला चिलाजा. मैम हाँ जी, एक टाइम पे एक ही पोलन ट्यूब ग्रो करती है बेटा? कई कर सकते क्योंकि एक जनरली एक ही ओव्यूल नहीं होता, बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं ओवरी में, है ना. कुछ में एक भी है बट उस केसेस में भी बहुत सारी पोलन ट्यूब ग्रो करेंगी, बट जो पहले पहुंच गई उसका काम हो जाए. ठीक है, जैसे ह्यूमंस में है, इतने सारे स्पर्म्स बनते हैं, इतने सारे ऊपर जाते हैं, बट एक ही एग से फर्टिलाइज हो पाता. ठीक, तो बहुत सारी पोलन ट्यूब, हम एक की बात करते हैं, हमने तो एक प्रोसेस ही दिखानी है. मैम इंटेग्यूमेंट्स आर अटैच्ड विद ओवरी एट प्लेसेंटा. एट प्लेसेंटा, हां जी बेटा. इंटेग्यूमेंट्स और उसकी एक एक्सटेंशन क्यूनिकुलस है, इसको हम क्यूनिकुलस कह देते हैं. इंटेग्यूमेंट्स तो नहीं, हम कहेंगे क्यूनिकुलस एट प्लेसेंटा. ठीक है, ये पोलन ट्यूब है बेटा. If it enters in the ovule through chalaza, the process is called as chalazogamy. This is called as chalazogamy. और इसकी example important है. Example इसकी है Casuarina. Another is jugulans. Jugulans होते हैं walnut, अखरोट. Casuarina and jugulans. This is chalazogamy. Chalazogamy is entry of pollen tube through chalazal end. Next हम आ जाते हैं बेटा. Again, pistil. This is ovary. This is ovule. ठीक है, अब पोलन ट्यूब आ रही है. यहां से मिलती और इंटेग्यूमेंट्स, ये इंटेग्यूमेंट्स में से ये बीच में से एंटर करके. व्हेन द पोलन ट्यूब एंटर्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द इंटेग्यूमेंट्स इट इज कॉल्ड एज मेसोगैमी. इट इज कॉल्ड एज मेसोगैमी.
एग्जाम्पल है कुकर बिट्स, घिया तोरी खीरा ककड़ी ये सब आ जाता है कुकर बिट्स में. देन द थर्ड केस, बनाते चलो साथ साथ. If the pollen tube enters through micropipe, if the pollen tube enters through micropipe, it is called as orogamy. It is called as orogamy. एंड एग्जाम्पल आ जाती है बेटा इसकी मिली, और भी एग्जाम्पल होगी बट एग्जाम्पल लिली, बट ओरोगैमी लिख लो. इट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल. In the ovule. ठीक है जी. और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने लिख लेनी है कि द पैसेज ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल इज गाइडेड बाय द टिश्यू. Called as, क्या बोलते हैं उसको, obturator. It is called as obturator. Ovule में कोई सा टिश्यू एक्ट एज obturator. ये कोई स्पेसिफिक नहीं है बट obturator क्या है कि पोलन ट्यूब में कहां से ग्रो करना है वो बताता है कि तुम्हें चलाजा से अंदर जाना है, इंटेग्यूमेंट से जाना है कि माइक्रोपाइल से. This is called as obturator. Draw these diagrams quickly. Where is it present? O-V-T-U-R-A-T-O-R. बहुत कहाँ पर है? बेटा ओव्यूल के अंदर कोई भी एक्ट कर सकता है. ओव्यूल का कोई पार्ट जो है वो एक्ट कर सकता है. This is obturator. जसप्रीत आप पूछो बेटा माइक ऑन करके. प्लीज स्पीक ऑब्टुरेटर. ओ बी टी यू आर ए टी ओ आर. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा. मैम ये नेसेसरी है कि भी अगर एक बार प्लांट में पोरोगेमी शो हुई है तो नेक्स्ट टाइम भी पोरोगेमी शो होगी? हाँ बेटा ये तो एक जेनेटिक फीचर होता है बेटा ये इसका. ओके थैंक यू. ठीक है ना, दीज आर जेनेटिक फीचर्स. जसप्रीत शर्मा के हैंड रेज है बेटा, आप मुझे बता सकते हो अनम्यूट करके, क्वेश्चन पूछ सकते हो आप मेरे से. मैम जो सेकंड केस है वो कौन सा है? मेसोगेमी का मतलब है when the pollen tube enters through middle of the integument. When the pollen tube enters through the middle of the integument, this is called as mesogamy. What is written under passage of? Right hand side. The passage of pollen tube. Passage of pollen tube in the ovule. ठीक है जी. अब बेटा मैम. हाँ जी मैम. मेसोगैमी में जो पोलन ट्यूब है वो पैसेज कैसे बनता है उसका? पैसेज बेटा
वो एंजाइम सिक्रीट करती है जिसके कारण ये इंटेग्यूमेंट कुछ पॉइंट से डिसॉल्व हो जाती है, कोलन ट्यूब अंदर चली जाती है. ओके मैम, थैंक यू. ठीक है बेटा, तो अब ओव्यूल के अंदर क्या है? अब मैं ये रब कर रही हूं. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा डबल फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट है वी कम टू डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन में क्या है? अगेन अगेन ये ओव्यूल है. थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूं. ये इसकी वॉल लेयर्स है जिसको हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं. ठीक है, और इसके अंदर देयर इज प्रेजेंट एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट. ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट. अगेन हमें दो दिन हो गए ये किए हुए, बट फिर भी आपको याद होना चाहिए. यहाँ पे दो सिनर्जिड्स हैं, ये एग है. देखते जाओ और थोड़ा थोड़ा सा बनाते भी चलना मेरे साथ. ये फिलीफॉर्म ऑपरेटर, इस तरफ ये तीन क्या है, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल. और ये लार्जेस्ट बाई न्यूक्लिएटेड सेल है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल सेल. ठीक है, अब यहां पे एक पॉइंट लिखो. वंस इनसाइड द ओव्यूल the pollen tube enters in the embryo sac only through micropylar end. बेटा ओव्यूल में कहीं से चली जाए बट एम्ब्रियो सैक में कहां से जाएगी? थ्रू माइक्रोपाइलर. ठीक है, अगर हम यहां पे देखें, ध्यान से देखो जरा कि ये पोलन ट्यूब आई, ये चलाजल एंड से अंदर चली गई. बट हम थोड़ा सा, मैं इसकी थोड़ी सी देख लें,
सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए थोड़ी सी हम स्पेस छोड़ते हैं ताकि पोलन ट्यूब को ग्रो करने में पता चले. Now see clearly, ये ध्यान से देखो. Pollen tube chalaza end से अंदर गई. अब यहाँ पे देखो ये इधर आ रही है, इधर आ रही है और ये एक synergid में open हो गई. अब थोड़ा सा different color के pen से लेना और ये बना देंगे. मैं आपको ये थोड़ा सा dark करके दिखा देती हूँ. This is the pollen tube enters in the embryo sac only through micropylar end. और यहाँ पे ध्यान से देखकर in the ovule the passage of pollen tube towards micropylar end is guarded by synergids. आप देखो सही कितना ब्यूटीफुल जो है काम है नेचर में. देखो पहले ओवरी की तरफ किसने अट्रैक्ट किया, ओवरी ने खुद किया बाय सिक्रीटिंग सर्टेन केमिकल्स. ओवरी ने आगे उसके बाद ओव्यूल कुछ कर रहा है. ओव्यूल में ऑब्ट्यूरेटर है, वो बताता है कि कहां से पोलन ट्यूब मेरे अंदर आए. एक बार ओव्यूल के अंदर चली गई और फिर उसके बाद देन एम्ब्रियो सैक में सिनर्जिड्स है, वो गाइड करते हैं कि पोलन ट्यूब अब तू यहां से आई है. इज इट राइट? ठीक है. तो हम जैसे अगर हम बात करें कि पहले एक कंट्री में आया, तो कंट्री में एक जब एरोप्लेन से उतरे तो एयरपोर्ट पे हमारी गाइडलाइंस है कि आप यहां जाएंगे. ठीक है. उसके बाद एक स्टेट में आए, ठीक है, तो स्टेट में पंजाब में कोई आया टूरिस्ट, तो वहां पे बाहर ही पंजाब के बॉर्डर पे ही जो है पुलिस खड़ी है, उन्होंने गाइड किया कि अब आपने अमृतसर जाना है. ठीक है. और जैसे ही पंजाब में अमृतसर का बॉर्डर आया तो वहां पे पुलिस वालों ने गाइड किया कि यहाँ पे अब यहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, अब आपको यहाँ पे जाना. तो इस तरह से अलग अलग पैसेज पे अलग अलग रास्ता दिखाने वाले नेचर में भी. ठीक है. तो दिस इज द केस. तो वंस इनसाइड द ओव्यूल द पोलन ट्यूब एंटर्स इन द एम्ब्रियो सैक ओनली थ्रू माइक्रोपाइलर एंड एंड इट इज गाइडेड बाय द सिनर्जिड्स. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. आउट ऑफ टू सिनर्जिड्स, आउट ऑफ two synergids one synergid is already out of two synergids one synergid is already degenerating. And other starts degeneration after entry of pollen tube. After entry of pollen tube, because सबके लिए ये चीजें
although this is not directly given in the NCERT, but जैसे अब CBSE वालों ने paper set करना शुरू किया है, 20 questions जो है MCQs है, तो ऐसे questions आ सकते हैं। इस बार physics के paper में, खासकर plus two physics का paper जो देखा गया था, उसमें जो MCQs थे, they are up to JE level, ठीक है? Although bio के questions easy थे, but physics में JE level के questions थे। तो बायोलॉजी में भी पीएमपी लेवल के आ सकते हैं। तो पीएमपी जिसने देना है उसके लिए तो है ही है, जिसने नहीं भी देना, बोर्ड्स ही देने हैं, उसमें भी ये क्वेश्चंस, ये चीजें इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हाँ जी बेटा, तो फिलीफॉर्म, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स, मैं भी आपको बताती हूँ बेटा। गार्डेड बाय passage of pollen tube towards micropylar end is guarded by, आप यहाँ पे थोड़ा सा और लिख लो, filiform apparatus, filiform apparatus of synergid, filiform, ये synergid है, ये पे जो finger like processes है, this is filiform apparatus, ठीक है जी? Next point है बेटा, important point, the pollen tube enters in already degenerating synergid, ये क्वेश्चन आया हुआ है। The pollen tube enters in already degenerating, जो पहले से ही degeneration हो रही है वहां पे खुलती है, and liberates two male gametes. Liberates to male gamete. Meanwhile, the other synergid and antipodals degenerate and embryo sac is left with egg and central sac. ये देखिए, ये जिसको नहीं पता, ये egg है, ये synergid sac. Diagram बना लो जल्दी से. Which are synergids? ये जो बेटा जो नीचे दो है, ये दो सेल synergids है और ये तीसरा एग है. Please move to left side so that zoom on left side. We have tried that. Okay. Yes, ma'am. ठीक है जी, अब देखिए. Now. अब मैं सिर्फ आपको क्या दिखा रही हूँ, एम्ब्रियो सैक दिखा रही है, बाकी हम स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रहे.
This is embryo sac. ये लिबरेट हो गए मेल गैमेट्स. यहाँ पे थोड़ा समय, एक मिनट. ये है एग. ये मेल गैमेट्स है और ये सेंट्रल सेल है. सभी के सभी जो है ये न्यूक्लियाई, ऑल न्यूक्लियाई आर स्टिल हैप्लॉइड. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा. वन ऑफ मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग टू फॉर्म टू एन जाइगोट. इसको हम कहते हैं बच्चे सिंगेमी और जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन. दिस इज कॉल्ड एज सिंगेमी और जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन. This is embryo sac और यहां पे क्या बन गया ये बन गया. मैम एट लास्ट यू हैव रिटन जेनरेटिव फीस्ट फर्टिलाइजेशन FERT फॉर मेरी थोड़ी सी एब्रीविएशन है. FERT मीन फर्टिलाइजेशन. ठीक है जी. और यहां अभी भी सेंट्रल सेल वैसे ही है और साथ में एक मेल गैमेट है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाइए. आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर सिंगेमी आफ्टर Syngamy is assured. Syngamy पक्की हो जाती है कि भी हाँ भाई syngamy हो गई. The second male gamete fuses with central cell. यहाँ पे तीन न्यूक्लियाई है एन एन और एन फ्यूजेस विद सेंट्रल सेल टू फॉर्म 3N प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल सेक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. और क्योंकि यहाँ पे तीन न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं this is called as triple fusion or primary endosperm 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 cell triple fusion ya vegetative
fertilization. This is called as triple fusion or vegetative fertilization. This is embryo sac. This is zygote. And this is 3N primary endosperm sac. और यहाँ पे स्टार डाल के पॉइंट लिखना है. इफ नो सिंगेनी देन नो ट्रिपल फ्यूजन. अगर सिंगेनी फेल हो जाती है किसी कारण से तो ट्रिपल फ्यूजन भी नहीं होगी. जाइगोट develops to form the embryo. And PEC, primary endosperm cell, develops to form nutritive tissue endosperm for growing embryo. For growing embryo. ठीक है, बना लो फिर everybody. जल्दी से 2-4 मिनट की बात है. ठीक है जी बेटा, अब यहाँ पे दोबारा से एक स्टार पॉइंट लिख लो. Syngamy occurs first and then, write down, syngamy occurs first and then triple fusion. And then triple fusion. But development of endosperm occurs before the development of zygote into embryo. Development of endosperm occurs before than the development of zygote into embryo. Before? Development of endosperm occurs before the development of zygote into एम्ब्रियो. अब देखो बेटा ऐसा क्यों, ये देखो कि क्या इसका क्या रीजन है. सबसे पहले इसने न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाना, इसने एम्ब्रियो बनाना. वो कहते हैं न्यूट्रिटिव टिश्यू तो मैं तब बनाऊं जो पहले मुझे पता तो चले कि एम्ब्रियो बनना है. ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले जाइगोट बना. जब जाइगोट बन गया वो कहता है अब मैं तैयार हूं, अब मैंने एम्ब्रियो बनाना है, फटाफट से न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाना शुरू करो. तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन हो जाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और फिर वो न्यूट्रिशन बनाता है. जब न्यूट्रिशन बन जाता है तब एम्ब्रियो जाइगोट जो है वो ग्रो करना शुरू करता है टू फॉर्म द एम्ब्रियो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो. एज इन एंजियोस्पर्म्स देयर आर टू एक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन.
there are two acts of fertilization, that is syngeny and triple fusion. Therefore, it is called as double fertilization. It was first observed by Navarchin in Fritillaria. Family Liliaceae. आपने plus one में क्यों हुई है Liliaceae family? Family Liliaceae discovered by Navarchin in Fritillaria of family Liliaceae. ठीक है जी? So this is about double fertilization. ठीक है? This is all for today. ठीक है? और कल same time 10 o'clock. ठीक है जी? थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहते हैं, बस दो दिन और होंगे हमारे और हम जो है ये चैप्टर खत्म कर देंगे. मैंने असाइनमेंट भेजी हुई है, वो सॉल्व करके देखो, वो डिस्कस करके देखो. ठीक है जी? एंड रिमेंबर दैट एट 4:30 यू विल अगेन हैव टू कम हियर फॉर योर फिजिक्स क्लास. ठीक है? और उसके बाद एक मिनट बेटा.